प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम पर डाक टिकटों का संग्रह किया जारी। 48 पेज की किताब में 20 देशों के टिकटों का संग्रह है। श्रीराम जन्मभूमि पर भी 6 डाक टिकट जारी। 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ। विधि विधान के साथ मंदिर पहुंची रामलला की प्रतिमा। कुछ देर में गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सेमीकंडक्टर एमओयू को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समझौते पर लगी मुहर। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में चौथे समन्स पर भी हाजिर नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश का लगाया आरोप। 5वां समन्स भेजकर ईडी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राम मंदिर में पुजारी और पुरोहित पहुंच चुके हैं। 200 आसन के साथ 200 पुजारी पुरोहित आचार्य वहां अंदर जाते हुए दिखे, विद्वान अंदर जाते हुए दिखे। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी और फिर संकल्प होगा और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया आज ही से आरंभ हो जाएगी। राम मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर मंदिर के अंदर कैसी हलचल है, उसकी एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, को दिखाती हूँ एक्सक्लूसिवली मंदिर। आप सबसे नजदीक से न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर देख रहे हैं। सबसे नजदीक से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर अगर आप उठाएं कैमरे को तो आप ऊपर का भी दिखा पाएंगे। कैसे ये जो दूसरा, ये तो सिंह द्वार हो गया जो सबसे पहला है, वो दूसरा द्वार है जहां से देखिए सभी लोग आपको महंत अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा।